रहीम बना रहे रावण, राम करेंगे दहन। धनोरा में होगा 45 फीट के रावण के पुतले का दहन। मंडी धनोरा, कलाकार दशहरे के मौके पर जलाए जाने वाले रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को तैयार करने में जोर शोर से लगे हैं। रावण के पुतले को बनाने वाले कलाकार कोई और नहीं बल्कि बिजनौर के मुस्लिम कारीगर हैं। ये मुस्लिम कारीगर आज से नहीं बल्कि अपने बाप और दादा के ज़माने से रावण का पुतले बनाते चले आ रहे हैं। ये त्यौहार हिंदू और मुस्लिम की एकता और मिसाल का भी प्रतीक है। राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। दोनों नामों में फ़र्क करोगे तो नफ़रत बढ़ेगी और दोनों नामों को एक समझोगे तो अमन और शांति होगी। यूपी के बिजनौर ज़िले के रहने वाले मुख्य कारीगर अकील अहमद भी यही सोच रखते हैं। अकील अहमद 3 सप्ताह से रामलीला ग्राउंड में कारीगर रियाजुद्दीन, मोहम्मद सरताज, अतीक अहमद, कुनाल और जयदेव के साथ भाईचारे का संदेश देते हुए पुतले बना रहे हैं। नाम आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिजनौर। तो यहाँ जो ये पुतले बन रहे हैं, किस किस के पुतले बन रहे हैं? ये रावण का है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है। कितने लोग हैं आप ये जो काम कर रहे हैं? 6 लोग हैं। तो सभी मुस्लिम हैं? कौन? हाँ, सभी मुस्लिम हैं। इसमें कितना मुनाफा हो जाता है आपको? तो मुनाफा क्या है, तो काम करने के लिए आ जाते हैं, उसमें अच्छा लगता है कि हाँ सभी लोग एक साथ में मिलकर रहते हैं। तो क्या बुजुर्ग भी आपके यही काम करते थे? जी। पुतले बनाने में क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया जाता है? बांस का प्रयोग किया जाता है, सुतली का प्रयोग किया जाता है, अबरी वगैरह लगाई जाती है, रंग लगाए जाते हैं। कितने कितने फीट के पुतले बनने हैं? रावण 45, कुंभकर्ण 45 और मेघनाथ 35। कब से कर रहे हैं आप ये काम? हमारे करते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं ये करते हुए। और यहाँ धनौरा में आप पहली बार? चौथी बार कर रहे हैं। तो मुनाफे के लिए काम करते हैं या अपनी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए? एकता के लिए काम करते हैं। ठीक।